नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र बिहारी। टेक म्यूजिक बिहारी यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक नए प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, जिसका नाम है सिगरी वाला, जो कि एक मतलब गैस स्टोव है, गैस चूल्हा जिसको हम कहते हैं। तो दोस्तों, ये एक फुल्ली ऑटोमेटिक ये गैस चूल्हा है और ये जो है ना ग्लास फिनिशिंग के साथ में गैस चूल्हा आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक वॉच कीजिएगा, ताकि मैं इस वीडियो में आपको इस गैस चूल्हे का सारे फीचर के बारे में बताने जा रहा हूँ, और कितना प्राइस है और कहाँ से मिलेगा। एक्चुअली मैं इस को मैं ऑनलाइन परचेज़ किया हूँ, जो कि फ़्लिपकार्ट से मैंने लाया हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है ना फ्लिपकार्ट और अमेजोन का इस प्रोडक्ट का जो है ना बाय लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगे तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। ये जैसे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि 32 इंच का जो एलईडी टीवी रहता है, उतना बड़ा बॉक्सेस हैं। और मैं चलिए इस बॉक्स में जो ऊपर लगा हुआ था एक पट्टी टाइप का बंधन, इसको हम खोलते हैं और खोल के हम इसे हटाते हैं। उसके बाद बॉक्स के में जो है ना ये साइड में टेपिंग किया हुआ टेप से जो है ना चिपकाया हुआ, इसे भी हम खोलते हैं और इस प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करके आप सभी को जो है ना सारे चीज़ एक एक कर को दिखाने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या कंटेंट दिया हुआ। तो दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं इसके अंदर में आपको जो है जैसे टीवी पैकिंग मिलता है एलईडी, उस टाइप का यहाँ पे जो है ना थर्माकोल का सपोर्टिंग के साथ जो है ना ये गैस चूल्हा जो यहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों, इसको हम निकालते हैं और यहाँ इस बॉक्स में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं रहा, ये खाली बॉक्सेस है। तो हम इस बॉक्स को जो है ना साइड में रखते हैं। साइड में रखने के बाद अब जो है ना इस वाले जो हमने जो बाहर निकाला है रैपर, प्लास्टिक रैपर के साथ और थर्माकोल साइड में सपोर्टर के साथ, तो इसको देखते हैं। और इसमें जो है ना हम इसको पन्नी जो कवर लगाया हुआ है इसको ओपन करता हूँ। तो दोस्तों, ये जो चूल्हा है सिगरी वाला गैस चूल्हा, ये दो बर्नल के साथ में आता है, जो कि ये ब्लैक टाइप का जो है ना ये ग्लासिंग फिनिशिंग के साथ में, इसमें वाइट कलर का जो है ना कुछ कॉम्बिनेशन और इसमें डिज़ाइन किया गया है। इसको देखने के बाद कुछ अलग ही नज़ारा आता है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों, ये वर्नल है इसका, जो कि ऊपर में जो है ना रखा जाता है सॉकर, और यहाँ पर वारंटी कार्ड भी है, तो इसको हम साइड में रखते हैं। उसके बाद इसके जो है ना ऊपर काम जो देखिए कितना, देखिए दोस्तों लाइटिंग ग्लासिंग फिनिशिंग, इसमें जो थोड़ा सा पानी वगैरह लग गया तो थोड़ा कपड़ा मार दो कितना चक्का चक हो जाता है ना दोस्तों, ये देख सकते हैं एक मार्बल टाइप का। और ये नीचे स्टील जो है स्क्रू ड्राइव से जो है ना कसा हुआ है, जो इसके ऊपर पे स्टील वाला जो लगा हुआ प्लेट है, तो देख पा रहे हैं जैसे कि और सब चूल्हे में ये आगे पीछे हटक जाते हैं, यहाँ पे स्क्रू ड्राइव से टाइट किया हुआ है, जो कि आपको जो है ना ये इधर उधर कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों, ये जो है ना मैं उठाया हूँ, मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है, इसमें कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा है, मतलब उठाने में नहीं होता है कि कुछ लूज़ वगैरह है। यहाँ पर देख सकते हैं लोहे का जो फ्रेम बना हुआ है, वो जैसे सिलाई मशीन में होता है ना, उस टाइप का लोहा का मटेरियल का यूज़ किया गया है। यहाँ पे आप अपना गैस का जो पाइप कनेक्शन है उसको आप वो यहाँ पे अटैच करना है। उसके बाद हम पीछे का जो है ना इसमें देखते हैं, देखिए सारा चीज़ ठोस है दोस्तों। और इसके में इसमें जो है ना दो ये स्टोव का जो ऊपर वाला स्टैंड होता है ये बांधा हुआ है केबल टाई से। चलिए इसको हम काट के बाहर करते हैं, क्योंकि केबल टाई से जो है ना इसको बांध दिया है, कि इसलिए हमें जो है ना इसमें कुछ भी आवाज़ सुनाई को नहीं मिला इधर उधर से, तो क्योंकि ये सारा चीज़ जो है ना केबल टाई से टाइट कर दिया है, जो भी इसका जो है ना जो भी पार्ट्स वगैरह है इस चूल्हे का। तो दोस्तों, मैं केबल टाई को खोल दिया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये जो लोहे का स्टैंड है, बहुत सारे चूल्हे में क्या होता है पत्थर का जो है ना पतली वाले लोहे का होता है, जो कि आग से जो है ना वो जल जाते हैं, ये थोड़ा मोटा टाइप का है कि ये जो है ना जल्दी आग से नहीं जलेगी। ये दो स्टोव का स्टैंड है, काहे कि दो वर्नल है तो इसके लिए दो स्टैंड ऊपर चाहिए, जो कि हम उस पर अपना बर्तन वगैरह जैसे पटेले वगैरह हम डाल के उस पर खाना पका सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है चार प्लास्टिक का जो है ना नीचे स्टोव का नीचे वाले
वो ये भी स्टैंड है, ये चूल्हे का स्टैंड है जिस पे हम चूल्हा रखेंगे। नीचे प्लास्टिक का है ताकि वो इधर उधर मूव ना करे और वो अच्छी तरह से नीचे बैठ जाए। चलिए दोस्तों हम इसको जल्दी जल्दी चारों पैर को जो है ना चूल्हे का चारों पैर को टाइट करते हैं, क्योंकि ये रबर से बना हुआ है और इसमें पेंच लगा हुआ है, तो इसको हम टाइट करते हैं, सारे सारे चारों लगा देते हैं और उसके बाद इस चूल्हे का जो है ना ऊपर का स्टैंड लगाएं। तो दोस्तों इस चूल्हे का जो प्राइस है मात्र 1300 रुपया है, जो कि आप नॉर्मल चूल्हा भी लेंगे स्टील वाले तो 1300 से ज़्यादा को ही पड़ेगा वो। इसीलिए दोस्तों ये कुछ अलग है, हटके है, तो इसे आप परचेस करना चाहिए आपको। तो दोस्तों अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप बाय कर सकते हैं, आपको कुछ डिस्काउंट भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सारे लोहे का जो पीछे के अंदर में जो मतलब कनेक्शन किया हुआ है, जो पाइपिंग जो है गैस के लिए, वो सब देखिए कितना ठोस है, थोड़ा भी नहीं हिल रहा है, क्योंकि ये जो है ना सारे स्क्रू ड्राइव से एक पत्ती के सहारे जो है ना टाइट किया गया है। ये जो है ना बहुत ही मतलब हमें अच्छा लगा इसका जो है ना फिनिशिंग, कि इसमें सारे चीज़ जो है ना एकदम एडजस्ट किया हुआ है। जो इस सिगरी वाले कंपनी का नाम है, ये गैस स्टोव चूल्हा है जो कि दो बर्नर का आता है, और ये उसका स्टैंड है। स्टैंड को भी रखने के लिए यहाँ पे जो है ना थोड़े थोड़े सा नुकीला सा है, और वहाँ पे कट है जो प्लेट पर, उस कट में हमको इसको जो है ना फंसाना पड़ता है ताकि इधर उधर मूव ना हो। देखिए जैसे मैं लगा दिया, अब ये है जो है ना मूव इधर उधर नहीं करेगा, जैसे हमने रख दिया वैसा ये रखा रहेगा। तो दोस्तों इसी तरह हमने दूसरा भी जो है ना स्टोव का स्टैंड ऊपर वाले जो कि बर्तन वाला स्टैंड है उसको लगा दें। और ये रहा नोज़ल, जो कि चूल्हे का नोज़ल है, और ये कुछ अलग ही मटेरियल का लग रहा है, क्योंकि ना ही मुझे एल्युमिनियम लग रहा है, ना स्टील लग रहा है, ना ही लोहा, क्योंकि इस पर आग लगेगा। इस चूल्हे वाले कंपनी जो है इस मटेरियल कुछ अलग ही टाइप का मटेरियल लग रहा है, और इसका डिज़ाइनिंग भी जो है पहले वाला जो चूल्हा था उससे कुछ हटके हैं। इसमें छोटे छोटे छेद हैं, और जब ये आग इसमें लगेगा तो आपको जो है ना कुछ अलग ही देखने को लगेगा, जैसे कि आग का फ्लो होता है वो आपको अच्छा लगेगा। और उसमें जो हर जगह आपको जो है बर्तन रखेंगे उसमें सभी जगह बराबर मात्रा में ताव हीट लगेंगे, जिसमें कि आपको जो आग जब लगेगा ना इसका फ्लो जो है ना कुछ अलग ही दिखेगा। तो दोस्तों इसका मैंने आपको जो है ना पूरी अच्छी तरह से जो है ना इसमें आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्त यार के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे, मैं अगला और भी इससे अच्छे अच्छे वीडियो लाएँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैं गैस पाइप का कनेक्शन इस चूल्हे से कर दिया हूँ, और ये चूल्हे जो है ऑटो, जिसमें कि माचिस वगैरह की कोई ज़रूरत, देखिए मैं कैसे जलाऊँ, ये देखिए मैंने जैसे इसको ऑन किया यहाँ पे जो है लाइटर जल गया, ऑटोमेटिक जो है ना गैस चूल्हा ऑन हो गया। इसलिए दोस्तों मैं आपको बोल रहा था इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको मज़े आने वाले हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये बड़े वाले चूल्हा है और इधर साइड छोटे वाले, ये इसको ऑन किए और हमारे चूल्हा ऑन हो गया। तो दोस्तों जैसे आपको मैंने बताया कि इस चूल्हा को आप मतलब ऑल इंडिया कहीं भी हो, जहाँ पे अमेजोन और फ्लिपकार्ट को सुविधा है, आप वहाँ पे मंगा सकते हैं। दिल्ली, यूपी, पंजाब, चाहे ऑल इंडिया में कहीं से भी हो, आप अपने घर पे मंगा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरह आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, और हमारे वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।